आज वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आप अपने घरों में जब आप इंटीरियर्स आपका हो जाता है तो उसके बाद डीआईवाई के लिए जो वो यूजफुल हो सकते हैं और ये काफी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अपने घरों में यूज कर सकते हैं, स्पेशली मानसून में जब बहुत सारे लोगों के घरों में जो है वो बारिश की वजह से कहीं कहीं से लीकेज जा रही होगी। तो ये जो मैं प्रोडक्ट बताऊंगा ये ओवरऑल काफी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रोडक्ट नंबर 1 के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाटर प्रूफ स्प्रे है और सिंपली क्या है कि जहां पर भी आपका कहीं से लीकेज आ रही हो, कोई क्रैक हो, तो सिंपली आप जो है इसको वहां से क्लीन करिए और फिल कर। जैसे कि आप देख रहे हैं फोटो में, तो सबसे पहले देखिए आपका क्रैक फील कर रखा, फिर सेकंड आपका जो पाइप है तो पाइप की चारों तरफ जो है इसको स्प्रे करके आप इजीली यूज कर सकते हैं। एंड फिर ये जो आपका मेटल हो गया, सीमेंट हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़, वुड, ग्लास, इन सारे ही तरीके की जो सरफेस होती है उसके ऊपर इजिली काम करता है। एंड फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए आपका रूफ की लीकेज हो रही है तो वहां पर यूज कर सकते हैं, सेंट्रल वॉल लीकेज हो रही है वहां पर यूज कर सकते हैं, फ्लोर की लीकेज, आपके पाइप्स के आसपास की लीकेज हो गई, इनफैक्ट अगर आपका टॉप पे अगर मान लिया टीन शेड है जिंक की तो वहां पर भी अगर आपकी लीकेज तो वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं, और रूफ की जो सीवेज होती है तो उसके अगर निकल के आ रही है तो उसके चारों तरफ भी इसका यूज कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, तो इन सारी चीजों के लिए जो ये यूज किया जा सकता है। और फिर अगर मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करूं तो लगभग 400 रुपीज के आसपास का ये है आपका स्प्रे और ये 450 ml में जो आ जाएगा। मैंने खुद यूज करा है, काफी यूजफुल है, आप भी यूज कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जैसे जो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा किस तरीके से काम करता है। का नाम है फेविकोल इजी स्प्रे। तो सिंपली डीआईवाई स्प्रेबल एडेसिव है। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप नॉर्मल अगर फेविकोल खुद से यूज करते हैं, जैसे कारपेंटर यूज करते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि उसको किस तरीके से जो है वो लगाना है। तो ये भी एक टेक्निकल पॉइंट होता है कि कितना पतला लगाना है, कितना खींचना है। तो सिंपली अगर आप खुद अगर आप घर पे डीआईवाई करना चाहते हैं चीजों को लेकर के, तो आप इस स्प्रे का यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज आप कर कहां कहां पे सकते हो और किस किस जगह पे इंटीरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कहां पर यूज कर सकते हो, इसके बारे में बात करते हैं। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 2 के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये है आपका फेविकोल का इजी स्प्रे। अब बात करते हैं कि इसका आप यूज कहां कहां पे कर सकते हैं इंटीरियर्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सीलिंग में अगर आपको लैमिनेट पेस्ट करना है वहां पर पेस्ट कर सकते हैं, वर्टिकल लैमिनेट को पेस्ट कर सकते हैं, साउंड प्रूफिंग जो आपके पैनल्स आते हैं उसको पेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल एरिया में अगर आपको विनियर को पेस्ट करना है बिना किसी नेल के उसको पेस्ट कर सकते हैं, एकॉस्टिक जो फॉर्म होती है इससे आप उसको भी चिपका सकते हैं, और डीआईवाई के जो हाउस होल्ड प्रोजेक्ट होते हैं उसकी जगह पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या कि देखिए नॉर्मल आप फेविकॉल लेकर के आएंगे उसको पेस्ट करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है कि उसको कितना खींचना है, कितना पतला करना है लेयर को, तो वो अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। तो उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं, इससे इजीली जो है वो स्प्रे करके आप ये सारे काम कर सकते हैं। और इसका अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो लगभग 554 रुपीज इसका प्राइस है और ये लगभग 383 ग्राम्स में आपको मिल जाएगा। और सबसे खास बात इसकी है कि आपको कुछ भी चिपकाना है ना, जैसे फोम टाइप की चीजें, तो आप इसे नॉर्मल चिपकाइए, 10 सेकंड तक होल्ड करके 10 सेकंड के बाद सेट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं डीआईवाई के प्रोडक्ट नंबर 3 के बारे में। तो जैसे आप देख रहे हैं ये है आपका टर्मिनेटर। तो बेसिकली आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। टर्मिनेटर बेसिकली मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि पीडियाट्रिक एक ट्रस्टेड ब्रांड है और आपका घर में आपका जो टर्माइट है वो आज के टाइम बहुत ज्यादा नॉर्मल है, और टर्माइट आपके घर में आए तब आप ट्रीटमेंट करें ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहले तो ये कि आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लें, स्टार्टिंग से ही टर्माइट का पूरा जो ट्रीटमेंट कराते हुए चले, लेकिन फिर भी आप जो है हर 2 महीने में अपने आप से जो है इसका स्प्रे कर दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत सारी ऐसी जगह होती है वुडन की जहां पर जो है चीजें मूवेबल रहती है, मतलब उसे आप कोलवन करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि कंटिन्यू एक जगह पर टच में रहती है वॉल के साथ और उसके पीछे की और आपको पता ही नहीं है, तो उस केस में जो है ये जो स्प्रे है सबसे बेहतरीन है। आप नॉर्मली कुछ नहीं करिए इसमें, सिंपली आप हर 2 महीने में आपको टर्माइट दिखे चाहे ना दिखे, अगर आपको लग रहा है कि आपके एरिया में टर्माइट आती है तो हर 2 महीने में इसका स्प्रे कर दीजिए। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि मामला बहुत ज्यादा पेचीदा फंस जाता है, तो उस केस में फिर ये चीज आपके काम नहीं आएगी। ये रेगुलर मेंटेनेंस के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपका जो केस है वो थोड़ा बिगड़ चुका है, टर्माइट एक हद से ज्यादा बढ़ गई है, तो वहां पर फिर आपको अपना आसपास जो भी प्रोफेशनल जो कि पेस्ट कंट्रोल में रहते हैं तो उन्हीं का ही जो है आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए और उन्हीं से ही जो है वो काम कराना चाहिए। और
टर्माइट के ऊपर कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टर्माइट होते हैं और टर्माइट किस तरीके से काम करती है। प्रोफेशनल के साथ मैंने एक पॉडकास्ट कर रखा है बेसिकली, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अगर प्राइस के बारे में बात करें, लगभग 327 रुपए के आसपास का जो है इसका बॉटल पड़ जाएगा आपको, और ये 1 लीटर में आपको मिलता है। फिर प्रोडक्ट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। तो सिंपली आपके घरों में जनरली आपके पुराने किचन के जो चैनल्स हो गए या फिर कुछ भी जैसे नट बोल्ट लग गए या पुराने ताले हो गए, तो वहां पर ये जंग लग जाता है। अब उस जंग के चक्कर में आप ऐसे तो नहीं कि पूरी चीजों को चेंज करेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट है ये इसी चीज के लिए है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जैसे कि इसका नाम है एशियन पेंट इजी CRB रस्ट रिमूवर, तो जो भी आपका जंग लगता है उसको ये इजिली रिमूव कर देता है। जैसे आपके दरवाजे पे हिंजिस हो गए या फिर आपके किचन के चैनल्स हो गए या फिर आपका बाथरूम में लाइम के जो मार्क्स बन जाते हैं ना आपके सैनिटरीवेयर पे, आपको दिखते होंगे ऐसे पाउडरी पाउडर से, तो उसको भी रिमूव कर देता है। और बहुत सारी जगह में आपके जो नट बोल्ट होते हैं वो जाम हो जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, तो इसका स्प्रे करेंगे तो ये उसको भी इजिली ओपन कर देगा। और ये भी लगभग लगभग आपको 150 रुपए के आसपास 250 ml की बॉटल मिल जाएगी। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 5 के बारे में, तो ये भी काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। अब सिंपली कहते हैं कि आपके बाथरूम्स होते हैं तो वो पुराने बाथरूम होते हैं, बीच की ग्राउटिंग जब वो काली सी डार्क कलर की हो जाती है, अब आपको उसको दोबारा से करना है तो आप बुलाएंगे किसी प्रोफेशनल को, वो हो सकता है आपका टाइल वाला या फिर कोई मिस्त्री। अब वो एक दिन के आने के 1000 लेगा, 1500 लेगा, ग्राउटिंग का कॉस्ट अलग से आएगा। तो इसकी बजाय इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं, एक ग्राउटिंग पेन आता है और इसका जो कॉस्ट लगभग 400 से 500 के आसपास पड़ता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका ग्राउटिंग पेन है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं अगर आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो अगर फेडेड हो रखे हैं तो वहां पर इसका आप यूज कर सकते हैं काइंड ऑफ, और ये पूरी तरीके से वाटर प्रूफ रहता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से जो है इसका यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 6 के बारे में, जो कि आप इंटीरियर्स में मेंटेनेंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोडक्ट है डॉक्टर फिक्सिट का क्विक एंड इजी के नाम से, जो कि गैप और क्रैक फिलिंग के लिए जो यूज करता है। ये 150 ग्राम की पैकिंग में आपको मिलेगा और इसका जो प्राइस है लगभग 300 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। और इसको जो आप एज अ टाइल ग्राउट भी यूज कर सकते हैं, एज अ सीलेंट भी यूज कर सकते हैं, कॉन्क्रीट, मेटल, PVC, वुड, तो इन सब जगह पे यूज कर सकते हैं। और ये सूटेबल है आपके वेट और डैम्प एरियाज के लिए भी। तो जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर टेरेस के लिए यूज करा हुआ है, मेटल शीट के लिए यूज कर रखा है, फिर किचन सिंक हो गई, विंडो को सील करने के लिए नहनी ट्रैप पे यूज कर रखा है, फिर इस तरीके से वेट एरियाज पे भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए आपका विंडोज में भी जो है डैम्प एरिया में भी यूज कर रखा है। और फिर ये जो आप वीडियो देखिए एक बार। लास्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि वाटर प्रूफिंग टेप। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये एक कुछ इस तरीके से दिखती है और इसका प्राइस आपको दिख रहा होगा लगभग 200 रुपए के आसपास आपको पड़ जाएगी। और इसकी भी जो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाटर प्रूफ है, आपका हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, एंड इसकी मैं आपको अगर वीडियो दिखाऊं तो आपको उससे पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम करती है। और फिर देखिए यहाँ पे दिखा रखा हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल है इसके ऊपर, और ये इस तरीके से जैसे यहाँ पे फोटो में दिख रहा होगा आपको क्रैक के ऊपर जब इजिली चिपका दी जाती है। और इन सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा पसंद आया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।